हेलो एवरीवन, हम लोग हैं देसी कपल ऑन द गो और इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आप 75,000 रुपीस में नॉर्वे की ट्रिप कैसे प्लान कर सकते हैं। नॉर्वे वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री है और उतनी ही एक्सपेंसिव है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि क्या हम नॉर्वे बजट में घूम सकते हैं? यस, ये वीडियो हेल्प करेगा कि आप अपना नॉर्वे का ट्रिप बजट में कैसे प्लान कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको आपकी नॉर्वे की 1 वीक की ट्रिप के लिए कितना मिनिमम बजट लगेगा। उस बजट में इंक्लूड होगा फ्लाइट टिकट्स, होटल, साइट सीइंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड फूड। तो सबसे पहले बात करते हैं हम फ्लाइट टिकट्स की। अगर आप बजट मंथ में ट्रैवल करेंगे, मतलब कि मार्च में अगर फ्लाइट की टिकट्स बुक करेंगे, तो आपको बहुत ही अच्छा प्राइस मिल जाएगा और वो प्राइस होगा 34,000 रुपीस का। इस ट्रिप में हम 3 दिन ओस्लो में रुकने वाले हैं और 3 दिन बर्गन में रुकने वाले हैं और जो 1 दिन है वो होगा हमारे ट्रैवल के लिए। अब बात करते हैं हम अकोमोडेशन की। तो अगर आप बजट ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको रुकना चाहिए हॉस्टल में, क्योंकि सबसे चीपेस्ट प्राइस वहीं मिलता है। तो अगर आप ओस्लो में रुकते हैं तो आपको हॉस्टल मिल सकता है 1700 रुपीज पर नाइट का। और अगर आप बर्गन में रुकते हैं तो आपको मिल सकता है होटल 2000 रुपीस पर नाइट का। तो अब बात करते हैं एक सिटी से दूसरे सिटी जाने का प्राइस, मतलब ओस्लो से बर्गन जाने का प्राइस। तो ओस्लो से बर्गन आप जा सकते हैं ट्रेन से और उसका टू एंड फ्रो का टिकट आएगा 3200 रुपीस का। अब बात करते हैं साइट सीइंग की। तो आप नॉर्वे बजट में भी काफी अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। दोनों ही सिटी ओस्लो और बर्गन में फ्री गाइडेड टूर्स होते हैं, तो वो आप जरूर करिए। और वैसे दोनों ही सिटी को आप वॉक करके आसानी से घूम सकते हैं। आप बर्गन सिटी से जा सकते हैं फ्लाम एरिया। फ्लाम बहुत ही सुंदर एरिया है और वहां जाने के लिए आपको करना पड़ेगा ट्रेन, जिसका प्राइस है 4000 रुपीस। और फ्लाम में आप कर सकते हैं क्रूज राइड, जिसका प्राइस है 3200 रुपीस। आप फ्लाम एरिया में कर सकते हैं एक ट्रेन राइड और उससे देख सकते हैं बहुत सारे वाटरफॉल्स और अनरियलिस्टिक नेचुरल ब्यूटी और उसका प्राइस है 3900 रुपीस। अब बात करते हैं फूड एंड ग्रोसरी की। तो फूड एंड ग्रोसरी का बजट है 10,000 रुपीस। तो हम 7 days 10,000 रुपीस में कैसे सरवाइव करेंगे? तो जब भी आप बजट ट्रिप पे आए तो उसका थंब रूल है कि आप इंडिया से ही रेडी टू ईट चीजें पैक करा के लाइए और अगर कुछ और खाने की इच्छा हो तो ग्रोसरी स्टोर से शॉपिंग कर लीजिए। हाँ, रेस्टोरेंट में बिल्कुल मत खाइए। और फिर वो रेडी टू ईट फूड या ग्रोसरी स्टोर से जो भी आपने शॉपिंग किया है उसको आप अपने हॉस्टल में कुक भी कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग कर रहे हैं। एंड व्हाट आर वी ईटिंग? दिस इज आवर रोटी, सैलेड, राइस एंड छोला एंड छोले। इन शॉर्ट हम लोगों ने आग लगा दी है। आग लगा दी है नॉर्वे में। हम लोगों ने आग लगा दी है नॉर्वे का बेस्ट डिनर विद द व्यू।
ये कोई बैठ के इंडियन डिनर में किया होगा। यस हम है ट्रू देसी। तो अब रिकैप करते हैं और देखते हैं कि टोटल प्राइस कितना आया। तो फ्लाइट का टिकट थे 34,000 रुपीस के और अकोमोडेशन बर्गन और ओस्लो के होस्टल्स के प्राइस टोटल होते हैं 11,000 रुपीस। तो अब बात करते हैं हम ट्रांसपोर्टेशन की। तो उसका प्राइस आएगा 7,200 रुपीस, साइट सीइंग का प्राइस आएगा 7,100 रुपीस और फूड एंड ग्रॉसरी का 10,000 रुपीस। तो इन सब को अगर सम कर लेते हैं तो टोटल प्राइस आता है 70,000 रुपीस और उसमें वीजा का प्राइस इंक्लूड कर लेते हैं विच इज 5,000 रुपीस, तो टोटल प्राइस आता है 75,000 रुपीस। यस, आप नॉर्वे कर सकते हैं 75,000 रुपीस में। तो ये थी नॉर्वे इन बजट विथ ओनली 75,000 रुपीस। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। इस वीडियो को देख के आपको नॉर्वे जाने का मोटिवेशन और इंस्पिरेशन तो मिल ही गया होगा, तो नॉर्वे जरूर जाइए और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने सोशल मीडिया पे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कराए तो जरूर सब्सक्राइब करिए। आप हम लोगों को फॉलो कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम, हमारे इंस्टाग्राम का हैंडल है देसी कपल ऑन द गो। See you in my next video. Till then, bye-bye.